नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री न्यू नोटिफिकेशन की। तो वीडियो पूरी जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि कोई भी इग्नू से रिलेटेड नई नोटिफिकेशन आती है, कोई नई जानकारी आती है, सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए और आप उस तक तुरंत देख पाएँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले इग्नू का स्टडी मटेरियल स्टेटस जनवरी 2020 सेशन के लिए अपडेट किया गया, जिसको आप देख सकते हैं। अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट करके आप अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस देख सकते हैं कि कब तक आपके बुक्स आप तक के घर तक आ जाएंगी। साथ में इसमें मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने अपना एडमिशन करवाते वक्त या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त 15% डिस्काउंट के लिए ऑप्ट किया था तो उनकी बुक्स घर में नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका स्टडी मटेरियल स्टेटस भी अपडेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो कमेंट आप कर सकते हैं। जनवरी 2020 सेशन में जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख सकते हैं। सबसे पहले बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो BA की हो, BCOM की हो या फिर BSc की हो। उसके बाद आपको इंग्लिश नॉलेज आनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश की लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए MS ऑफिस की और कुछ सिंपल सॉफ्टवेयर की, और इंटरनेट की भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा, यानी कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई करवाई जाएगी और ड्यूरेशन जो होगा वो 1 साल का ड्यूरेशन होगा, जिसको आप 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं अपने कोर्स को मैक्सिमम समय लेकर। फीस स्ट्रक्चर जो है वो 12,500 रुपये है। तो ये आपके लिए एक नई जानकारी थी, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो योग्यता का पैमाना वो चेंज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, तीसरी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है जनवरी 2020 सेशन के लिए तो 31 दिसंबर 2019 लास्ट डेट है। साथ में अगर आपने अपना एडमिशन अगर किसी कोर्स में करवाना चाहते हैं या नए स्टूडेंट हैं तब एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2019 से पहले पहले आप अपना एडमिशन करवा लें, या री रजिस्ट्रेशन है तो री रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि बाद में आपको किसी टेंशन का सामना ना करना पड़े। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद डेट एक्सटेंड होती है या नहीं उसके बारे में जानकारी इग्नू ने अभी तक नहीं दी है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन अपना टाइम पर नहीं करवाएंगे तो आगे आपको फिर 6 महीने बाद अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि आपका कोर्स पूरा 6 महीने तक लेट हो जाएगा, यानी कि 6 महीने आपके और बर्बाद हो जाएंगे। तो अपना री रजिस्ट्रेशन तुरंत आप करवा लें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही।